कलियाबर कांग्रेस सांसद गौरव गगो दिल्लर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मार बीजेपी सरकार कठोर समालोचना बान परिस्थितिर सन्दर्भत असंवेदनशील गुरुत्व निदियार अभियोग बीजेपीर विरुद्धे उत्थापन करी मोदी और हिमंत विश्व शर्माक दिल्लर खुरधार समालोचना करे सांसद गौरव गगोय कले जे जदिहे अहोमर प्रति तेलुकर संवेदनशीलता थाकिलहेतेन बा तेलुक जदि गुरुत्व थाकिलहेतेन तेतियाले कोनोबा एजन केन्द्रीय मंत्रीक अहोमले पठियालहेतेन बा प्रधानमंत्री निजे बान परिस्थितिर बुझ लब आहिलहेतेन बा प्रधानमंत्री एटा विशेष अर्थनैतिक पेकेज दिलहेतेन किन्तु ए अहोमर बान परिस्थितिर समयत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अहोमर हिमंत मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा दुयोजन सरकार भंगा पताते व्यस्त बुली दिल्लीर पुरा अभियोग उत्थापन करि कोले कांग्रेसर सांसद गौरव गगोय ए मुहूर्तर ए गुरुत्वपूर्ण बातरि आपोनालोक आगबाय अहोमर बान परिस्थितिक लै बीजेपी सरकारक असंवेदनशील आख्या दिल्लीर पुरा दिसे सांसद गौरव गगोय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और हिमंत विश्व शर्मार भूमिकाक दिल्लीर पुरा सांसद गौरव गगोर कठोर समालोचना दिल्ली संबाद मेल पाती अहोमर बान समस्या गुरुत्व निदियार अभियोग सांसद गौरव गगोर दिल्ली पुराय अहोमर बान समस्याक लै सरब हल सांसद गौरव गगोर बान नियंत्रणर विपरीते महाराष्ट्र राजनीतिक लै व्यस्त थकार अभियोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विरुद्धे सांसद गराकी दायित्वशील केन्द्रीय सरकार हुआहेतेन কোনো এজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীক অসমৰ বান পৰিস্থিতি চাবলৈ পঠিয়ালেহেতেন প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজেই গলহেতেন বা নিজে আহিলহেতেন এই মন্তব্যও কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বৰ্তমান কেন্দ্ৰত দায়িত্বশীল চৰকাৰ নাই দিল্লীৰ পৰা অসমৰ বান পৰিস্থিতিক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ক্ষমতা লোভী এয়া মন্তব্য গৌৰৱ গগৈয়ে সেইবাবে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বান সমস্যা দেখা নাপায় ক্ষমতাত অন্ধ হৈছে কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰ এই অভিযোগ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বান পৰিস্থিতিক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কি কলে মন্তব্য আগবঢ়াইছে এক জিম্মেৱাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ अगर आज होती तो असम और उत्तर पूर्वांचल में केंद्रीय मंत्री वहां भेजते, प्रधानमंत्री स्वयं जाते, खुद देखते वर्तमान की क्या समस्याएं हैं, कहां कमी है, लोगों को क्या समस्या है, और फिर केंद्र सरकार आर्थिक तरीके से एक पैकेज, एक मदद के लिए, साथ ही साथ वहां जो लॉजिस्टिक्स जो आज सपोर्ट चाहिए वो देती। पर अफसोस की बात यह है कि वर्तमान में केंद्र में एक जिम्मेवार सरकार नहीं है। वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है वो सत्ता की इतनी भूखी है कि सत्ता की इतनी लालच में है कि उनको असम और उत्तर पूर्वांचल में बाढ़ से पीड़ित लोगों का कष्ट नहीं दिखता। अंधी हो चुकी है सत्ता के लालच में। मीडिया में बार बार फोटोज आ रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे और परिवार बैंबू का नाव बनाकर या एक बाप अपने छोटे से बच्चे जो अभी भी अस्पताल में है, क्योंकि अस्पताल में पानी भर गया है, उसको इस प्रकार से उसकी जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्तमान में भाजपा क्या करती है कि महाराष्ट्र में सरकार गिरानी है और महाराष्ट्र के विधायकों को वो असम वो भेजते हैं। इससे ज्यादा निष्ठुर व्यवहार, सौतेला व्यवहार उत्तर पूर्वांचल के साथ हमने कभी भी नहीं देखा।
बाढ़ होते हैं उत्तर पूर्वांचल में, लेकिन बाढ़ के समय केंद्र सरकार हमेशा संवेदनशील होते हुए किसी मंत्री को निर्देश देते हैं कि आप जाइए, प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं, निरख अध्ययन करते हैं और फिर मदद करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो गुजरात के निर्वाचन में व्यस्त हैं, महाराष्ट्र के सरकार गिराने में व्यस्त हैं। आज सिलचर में आपके बहुत से मीडिया के दोस्त गुवाहाटी में होंगे, मैं आपके द्वारा उनसे कहना चाहूंगा कि मैं स्वागत करता हूं कि आज मीडिया की नजर असम पे है, गुवाहाटी पर है, लेकिन थोड़ी नजर मेघालय पे पर दीजिए, थोड़ी नजर बोरपेटा पे दीजिए, थोड़ी नजर कचार पे दीजिए। कचार से मुझे फोन आ रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है, क्रिटिकल स्टेज में है, लोग अपने घर से निकल नहीं पा रहे। पीने का पानी, आप सोच सकते हैं कि पीने का पानी भी आज इतना मुश्किल हो चुका है कि शायद एयर ड्रॉप करना पड़े पानी के बॉटल। तो ऐसे जहां पे हमको एक वॉर टाइम ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट केंद्र सरकार की तरफ से हमको दिखना चाहिए, हमको सिर्फ दिखता है सत्ता की लालच, सत्ता की भूख। और वहां असम के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं आप पूछ लीजिए असम के मीडिया के दोस्तों से। कल एक चैनल में मजाक बना रखा है, कहते हैं कि बाहर से लोग आएंगे होटल, असम के होटल में रहेंगे तो असम को रेवेन्यू मिलेगा, असम को पैसा मिलेगा, वो इस पैसे के द्वारा बाढ़ के लोगों को मदद कर पाएंगे। मजाक बना के रखा है। मैं आज मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आपको होटल के रूम का भाड़ा से आप अपने बाढ़ के लोगों को बचाएंगे? आपने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है, आपने गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की है, ट्विटर पे आया है, क्या आपने पैकेज की मांग की? अगर वास्तविक में आर्थिक अवस्था इतनी खराब है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी से आपने फाइनेंशियल मदद मांगी, गृह मंत्री से फाइनेंशियल मदद मांगी एनडीआरएफ के द्वारा? उसका जवाब दे। तो इसीलिए आज लोग, हर वर्ग के लोग बीजेपी की ऐसे गैर जिम्मेवार व्यवहार के कारण पीड़ित हैं। वो चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, बाढ़ से पीड़ित हो या बेरोजगारी से पीड़ित हो या सीमा सुरक्षा से पीड़ित हो, यह सत्ता की लालच और सत्ता की भूख ने भारत को विभाजित, भारत को पीछे और विकास के रास्ते से, सुरक्षा के रास्ते से बहुत परे कर दिया है। और जब तक भाजपा शासन में रहेगी, लोग इसी प्रकार से लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाएगा।